हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूथिका आर्ट। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी एकदम अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो चलिए, शादी का सीजन स्टार्ट हो गया है तो इस वजह से मैं यहाँ पर हल्दी के लिए प्लेट बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ली हूँ मिठाई का डिब्बा, दिया, मैं यहाँ पर रेड कपड़े का यूज़ कर रही हूँ, कार्ड, शादियों का कार्ड, फॉर्म शीट, कलर, और मैं यहाँ पर फ्लावर यूज़ कर रही हूँ जो टिश्यू पेपर से बनाया है, गोल्डन वायर, ग्लू गन, स्केल, ब्रश, इन सब चीज़ का यूज़ करके हम एक हल्दी प्लेट बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मेज़रमेंट लेंगे कि ये डिब्बा कितने बाई कितने का है। तो यहाँ पे 4.5 × 23.5 था, तो इसको मार्क करके अच्छे से कट कर लेंगे। कट करने के बाद मिठाई के डिब्बे पे इसको पेस्ट कर देंगे जिससे वो लगे ना कि वो मिठाई का डिब्बा है। तो पहले अच्छे से इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर हम कट कर चुके हैं, फिर उसके बाद फेविकॉल लगाएंगे। फेविकॉल लगाने के बाद इसको 1 by 1 पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इसके किनारे पे करने के लिए मैं यहाँ पे 4 छोटे छोटे डिज़ाइंस बनाई हूँ, तो उसको भी ये कॉर्नर पे लगा देंगे, वो थोड़ा सा डिज़ाइनर लगेगा। तो ये मैंने यहाँ पर डिज़ाइन ड्रॉ करी, फिर इसको कट करके इसको भी वैसे ही पेस्ट कर देंगे। देखिए, इसे पेस्ट करने के बाद जो हमारा दिया था उसे भी हम येलो कलर से पूरा पेंट कर देंगे। तो पेंट होने के बाद इसको हम सूखने के लिए रख देंगे। जब तक ये अच्छे से सूख रहा है तब तक हम अपना जो गोल्डन वायर है उसको लेंगे, उसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, कर्व करेंगे। कर्व करने के बाद उसे ग्लू गन से स्टिक कर देंगे। उसके बाद वो निकले ना, इस वजह से वहाँ पे एक कार्ड लगा दिया मैंने। फिर अब फॉर्म शीट लेंगे, उसे भी रेड क्लॉथ से अच्छे से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको हम वही मिठाई के डिब्बे में रख देंगे। रखने से पहले ग्लू गन लगा देंगे जिससे ये निकले नहीं। इसको यहाँ पर पेस्ट करने के बाद जो हमारा यहाँ पर वायर है इसमें हम पत्तियाँ लगाएंगे। पत्तियों को भी मैंने ग्लू गन से स्टिक कर दिया है यहाँ पर। पत्तियों के बाद जो टिश्यू पेपर के फ्लावर्स बनाए थे मैंने वो इस पर लगा दे रही हूँ। तो चलिए, जब तक मैं यहाँ पर फ्लावर पेस्ट कर रही हूँ तब तक आप लोग फटाफट जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। तो आप लोग बताइए कि हमारा ये जो हल्दी प्लेट है, जो हल्दी के लिए मैंने यहाँ पर डेकोरेट करी हूँ, वो कैसा बना है। और आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर दीजिए, जैसे उनके घर में शादी जैसे पड़ी हो तो वो भी ऐसा कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। तो बताइए कैसे बनी है। ये रहा फाइनल लुक हमारी प्लेट का, तो आप लोग बताइए कैसी बनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।